हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभिनय शुक्ला और आप सुन रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेल अ टेल फॉर यू। तो आज की कहानी मेरे पिता, जिसे लिखा है गोपाल मिश्रा जी ने, तो ले चलते हैं आपको कहानी की ओर। किसी शहर में दो भाई रहते थे। उनमें से एक शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था तो दूसरा एक ड्रग एडिक्ट था, जो अक्सर नशे की हालत में लोगों से मारपीट किया करता था। जब लोग इनके बारे में जानते तो बहुत आश्चर्य करते कि आखिर दोनों में इतना अंतर क्यों है, जबकि दोनों एक ही माता पिता की संतानें हैं, एक जैसी शिक्षा प्राप्त है और बिल्कुल एक जैसे माहौल में पले बढ़े हैं। कुछ लोगों ने इस बात का पता लगाने का निश्चय किया और शाम को भाइयों के घर पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें नशे में धुत एक व्यक्ति दिखा। वे उसके पास गए और पूछा, ओ भाई, तुम ऐसे के क्यों रहते हो? तुम बेवजह लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हो, नशे में धुत अपने बीवी बच्चों को पीटते हो, आखिर ये सब करने की वजह क्या है? भाई ने उत्तर दिया, मेरे पिता। पिता? वो कैसे? लोगों ने पूछा। भाई बोला, मेरे पिता शराबी थे। वे अक्सर मेरी मां और हम दोनों भाइयों को पीटा करते थे। भला तुम लोग मुझसे और क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं भी वैसा ही हूं, जाओ छोड़ दो मुझे अकेला। फिर वे लोग दूसरे भाई के पास गए। वो अपने काम में व्यस्त था और थोड़ी देर बाद उनसे मिलने आया। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, भाई बोला। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? लोगों ने इस भाई से भी वही प्रश्न किया। आप इतने सम्मानित बिजनेसमैन हैं, आपकी हर जगह पूछ है, सभी आपकी प्रशंसा करते हैं, आखिर आपकी इन उपलब्धियों की वजह क्या है? मेरे पिता कहीं ना कहीं, लोगों ने आश्चर्य से पूछा, भला वो कैसे? मेरे पिता शराबी थे, नशे में वो हमें मारा पीटा करते थे। मैं ये सब चुपचाप देखा करता था और तभी मैंने निश्चय किया था कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मुझे तो एक सभ्य, सम्मानित और एक बड़ा आदमी बनना है और मैं वही बना। भाई ने अपनी पूरी बात रख दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी मेरे पिता? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।